रीएलोकेशन क्या होता है और इसको आप ओरिफ्लेम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो, जैसा कि हमें पता है, मोस्टली केसेस में ओरिफ्लेम में फिलहाल पावर लेग यानी कि दो लेग पे काम करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपने दो ज्वाइनिंग लगाई ए एंड बी और गलती से एक ज्वाइनिंग आपकी तीसरी लाइन में लग गई विच इज सी, और इसका एक सॉल्यूशन आपको दूं कि कोई परेशान होने वाली बात नहीं, आप सी को बी के नीचे और सी को चाहो तो ए के नीचे भी शिफ्ट कर सकते, वो भी सेम आईडी से। ये हुई ना इंटरेस्टिंग बात। बट उससे पहले ये बता दूं कि इसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम होता है। तो बेसिकली रीएलोकेशन का मतलब है रीअरेंज करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से ओरिफ्लेम की वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल पे जाके आपको टाइप करना है in.oriflame.com। ये ओरिफ्लेम वेबसाइट का होम पेज है। टॉप राइट कॉर्नर पे आप देखोगे शॉपिंग बैग है और शॉपिंग बैग के बगल में यूज़र आइकन दिख रहा होगा आपको। उस यूज़र आइकन पे आपको टैप करना है। यहाँ पर उसके बाद आपको डालना है आईडी एंड पासवर्ड। ओके, आईडी एंड पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना है। एंड साइन इन करने के बाद आप देखोगे किस तरीके का होम पेज यहाँ पर दिखता है। आपका यूज़र आइकन चेंज हो जाएगा और आपका नाम लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। ओके, साइन इन हो गया। अब आप देखिए शॉपिंग बैग के बगल में मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है ग्रीन सर्कल में टॉप राइट कॉर्नर पे। आप उस पर टच करोगे, फिर आपको जाना है बिजनेस पे, माय बिजनेस पे, फिर आपको क्लिक करना है रिक्रूट एंड देन रीएलोकेशन कैबिनेट पे टच करना है। तो यहाँ पे आपको सारे मेंबर्स दिख जाएंगे जो रीएलोकेशन के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो और आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखो तो ओरिजिनल डायरेक्ट स्पॉन्सर भी लिखा है। डायरेक्ट स्पॉन्सर का मतलब होता है डायरेक्ट अपलाइन जिसके नीचे जॉइनिंग लग रही है। लेट्स से कि मेरे नीचे दो लेग है, मैंने दो जॉइनिंग लगाई ए एंड बी, तो मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर हूँ। और मैं अपनी डाउनलाइन के नीचे जॉइनिंग लगा रही हूँ अपनी आईडी से, तो मैं इन्वाइटिंग स्पॉन्सर हुई और वो हुए डायरेक्ट स्पॉन्सर। तो ये मतलब होता है डायरेक्ट स्पॉन्सर का। सो अब मैं फटाफट से रीएलोकेट कर देती हूँ। लेट्स से मैं इनको रीएलोकेट कर रही हूँ। आप नाम देख सकते हो मिस्त्री अमिता बेन। ओके, रीएलोकेट पे मैंने क्लिक किया एंड डायरेक्ट स्पॉन्सर अभी मैं हूँ। तो मैं जिसके डाउन में मैं इनको रीएलोकेट करना चाहती हूँ उनका मुझे आईडी नंबर डाला है। ये मैंने स्पॉन्सर नंबर डाल दिया। मुझे ये भी चेक करना है कि इनका नाम क्या है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क पे टच किया तो उनका नाम भी मुझे शो हो गया, लता देवी। अब मैं कन्फर्म्ड हूँ कि हाँ ठीक है, सही बंदे के अंदर डाउन में जा रहा। तो अब आई हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड देन आपके पास एक कन्फर्मेशन आई है, एक बार चेक कर लो। उसके बाद आप येस पे क्लिक कर दो एंड इज सक्सेसफुली रीएलोकेटेड। आप देख सकते हो कि रीएलोकेट हो गया है। अब ये जॉइनिंग उनके डाउन में रीएलोकेट हो गई है सेम आईडी से, बिना दूसरी आईडी के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।